आप लोगों ने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन और वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक एक एकल अभिकारक होता है जो टूट के क्या दो अलग अलग उत्पाद और प्रोडक्ट बनाता है। अब ये तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय, विद्युत, प्रकाशीय, ची थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिसिस। अब हम इन सब के बारे में एक एक बार चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए, एक इक्वेशन दी गई है, ठीक, इसका नाम क्या है, चूना पत्थर, लेकिन हिंदी में, इंग्लिश में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ देखो, ये किसी से रिएक्ट तो कर नहीं रहा, इसलिए प्लस कुछ नहीं लिखा है, ठीक, लेकिन वियोजन है ना यहाँ पे, यानी हमें इसे ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जब हम उसे हीट प्रोवाइड कराएंगे, हीट देंगे, तो ये किस में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक। अब यहाँ देखो, ये जहाँ सॉलिड स्टेट में था, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन कैल्शियम डाई सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड गैशियस फॉर्म में है, ठीक। यहाँ पे अंतर क्या है, चूना पत्थर है और यहाँ पे ये है बिना बुझा हुआ चूना, ठीक। तो ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा क्या है, विद्युत वियोजन। अब विद्युत वियोजन से आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया गया था, यहाँ पे विद्युत के द्वारा वियोजन किया जाता है, विद्युत द्वारा वियोजन, परिभाषा आपकी बन गई। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ देखो, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, यानी ऐसे वियोजन, ऐसे डिकम्पोजिशन जिसमें हम किसका यूज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, विद्युत का। यहाँ पे देखो, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, जब उसे हम विद्युत धारा द्वारा क्या कहते हैं, जो भी वो प्रोवाइड कराएंगे, तो वो किस में ब्रेक डाउन होगी, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया गया है, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिखी है, ठीक। ये समझ में आ गया, बैलेंस है इक्वेशन, ये भी आप लोग अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक। थर्ड, प्रकाशीय वियोजन। अब प्रकाश ही से समझ जाना चाहिए आपको कि इसमें किसका रोल है, प्रकाश का, यानी प्रकाश द्वारा वियोजन, इंग्लिश में फोटोलिसिस, ठीक, सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है। अब ऐसे वियोजन जो सूर्य के प्रकाश द्वारा हो जाएंगे, वो प्रकाशीय वियोजन। अब आपको सिर्फ उदाहरण याद करने हैं, क्योंकि डेफिनेशन और परिभाषा आप लोग को इसी नाम से ही पता चल जाएगी, ठीक। तो मुझे नहीं लगता ये उतना टफ है, लेकिन हाँ, मार्क्स गेनिंग जरूर है। टू, सिल्वर क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, सिल्वर और ये क्लोरीन, ठीक। यहाँ देखो, Ag किसका सिंबल होता है, सिल्वर का, Cl किसका सिंबल होता है, क्लोरीन का, लेकिन यहाँ पे सिल्वर क्लोरीन नहीं है, ये सिल्वर क्लोराइड है और ये है सिल्वर। यहाँ पे देखो, दो एटम है सिल्वर के और दो एटम है क्लोरीन के। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x और ये जो भी है, ठीक, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाता है, तो उसी तरह यहाँ पे समझना, टू एटम्स ऑफ सिल्वर, टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, ठीक। यहाँ देखो, टू एटम्स ऑफ सिल्वर, टू एटम्स ऑफ क्लोरीन, लेकिन यहाँ पे ये गैशियस फॉर्म में है, ठीक, और ये सिल्वर सॉलिड फॉर्म में है। फोर्थ था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की जरूरत होती है। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ये क्या होता है, और इसमें शायद उदाहरण अभी नहीं लिखा, तो ये अभी मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो थैंक्स, बाय।